नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत हम जो है सपोर्टिंग मटेरियल से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और कम से कम 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सपोर्टिंग मटेरियल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आपको सबके सपोर्टिंग मटेरियल जितने भी होंगे सबके आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स, यानी पहली 12 अभाज्य संख्याओं का हमें मीन निकालना है। ओके, 12 अभाज्य संख्या यानी पहली मतलब शुरू से। ओके, तो फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, तो फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स 2। ओके, तो हम लिखते जाते हैं, ऐड भी करते जाते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर हमें सिर्फ सिंपल नंबर्स का निकालना हो मीन यानी कि औसत यानी माध्य, तो निकालने का तरीका क्या है, ये देखिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है x1 x2 x3 x4 प्लस डॉट 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 एन तक, xn तक। xn का मतलब क्या है कि ये पहली संख्या हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसी करते जहाँ तक भी हो वहाँ तक लिख लें। अब जैसे मैं निकालता हूँ यहीं पर, तो हमारे पास कितनी संख्या है तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले शुरू करते हैं। तो 2 से अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 2 3, इसके बाद जो है 5, जो खुद से कटे और किसी और से ना कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, जो अपने ही पहाड़े से कटे। ओके, तो ये सब अभाज्य संख्या में लिख रहा हूँ। 11 प्लस अगला नंबर क्या होगा जो किसी से नहीं कटेगा, 13, और इसके बाद 17, फिर 19, फिर 23, और उसके बाद प्लस 29। ओके, प्लस 31 प्लस 37, अभी काउंट कर लेते हैं कि 12 हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 हो गए। तो जितने नंबर्स होते हैं बटे में उतना लिखते हैं। देखिए n लिखा है तो n जितना होता है, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास 12, तो बटे में हम अपॉन में 12 लिखेंगे। अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 5 10, ऐसे अपने अपने हिसाब से करिए जो ताकि जल्दी हो जाए। तो ये हो गया 10, ऐसे लिख लेते हैं, 7 और 13, ये हो गया 20। ओके, और बचा क्या, 11 एंड ये, तो ये हो गया 30। ओके, 17, देखिए ये तरीका है यानी कि शॉर्टकट है जल्दी जल्दी करने का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40। ओके, तो और देखिए इसमें ये मिला दीजिए दोनों, तो ये दोनों कितने हो गए, 60 हो गए। ओके, तो आप देखें मैंने लगभग सबको सारे नंबर्स आ गए हैं, ध्यान से देख लें, सब आ गए लगभग। तो 10 40 और 40, 80 और 60, यानी कि 80 एंड 60 कितने हो गए, 140। तो 140 और प्लस 37 अभी बचा हुआ है अपॉन में 12। ओके, तो ऐड कर लें इसको, 73 यानी 177। ओके, 70037, ठीक है, अपॉन में 12। अब डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 12 बन जा 12, यानी कि 12 कम 12, 5 बचा और 7। यहाँ पे करके देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ओके, 5 7, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 25 60, तो 60 से कम है ये, तो 4 बढ़ जाएगा। ओके, तो ले लेते हैं 12 चौक 48, कितना बचा, 9। ओके, 48 या 9 बचा, तो इसके बाद जो है पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 12 छक्का 90। ओके, तो ये कट गया आपका, क्या आ गया, 14.6, सॉरी गलत मैंने बता दिया, 12 चौक के कितना होगा, यहाँ 48 हो गया, हमारे पास 9 आया, यहाँ पॉइंट लगाइए, और 12 से 72 12 से 84, तो 12 से 84 लिख लीजिए, और 7, तो यहाँ पे 6 हुआ, और 0 लिखिए, 12 25 60, तो ये 14.76। मुझे भी लग रहा था कुछ डाउटफुल, इसलिए मैंने दोबारा से करके देखा, तो ये आ गया 14.75, ये आपका आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, कि अगले क्वेश्चन में लिखा है द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 18, यानी जो माध्य है वो कितना दिया हुआ है, 18। ठीक है, कितने और संख्याएं कितनी है, वो है 20, यानी 20 संख्याओं का 20 नंबर्स का जो मीन है वो 18 है। इफ़ 2 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट इज़ द न्यू मीन। ठीक है, यानी आपको मैंने बताया था कि जो मीन का फॉर्मूला होता है सिंपल, वो क्या होता है, ऐसे, ओके, x3 प्लस डॉट 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 xn तक अपॉन में n लिखते हैं। और कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 नंबर्स हैं। ओके, तो आप खुद सोचें 20 नंबर्स हैं तो नीचे हम क्या लिखेंगे, देखिए मीन लिख देंगे यहाँ पे 18। ओके, क्योंकि ये तो दे रखा है, टोटल नंबर्स क्या है वो देख लेते हैं।
तो 18 मीन है और टोटल नंबर 20 हमारे पास, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 कहाँ तक ले जाएंगे हम, एक्स 20 तक, और अपॉन में क्या लिखेंगे 20, ठीक है, क्योंकि 20 संख्याएं। तो अब इसको इससे गुणा कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 गुणे 20 बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स की पावर 20, ओके। अब इसे इसमें गुणा करें, 18 दूनी 36, ठीक है, 360 आ गया हमारे पास, ये यानी हमारे पास 360 इसका सम हो गया, जितने भी 20 नंबर्स हैं उसका जोड़ आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या होगा इसमें, इसे याद कर लें कि एक्स से एक्स वन से लेकर एक्स बीस तक हमारे पास 360 है, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, अब जो न्यू है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें मिला है, ये मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ ऑल नंबर्स एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स एन एक्स ट्वेंटी तक कितना मिला है, ऐसे मैं लिख देता हूँ डॉट 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 एक्स ट्वेंटी, वो कितना है 360, ठीक है, इसका यूज होगा अभी तो इसलिए हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए, अब न्यू मीन हमें निकालना है, तो मान लीजिए एक्स डैश, इसे कह लेते हैं न्यू मीन को एक्स डैश इक्वल, अब एक्स वन प्लस टू ओके प्लस में एक्स टू प्लस टू ओके प्लस में एक्स थ्री प्लस टू ओके। तो ये बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप फिर डायरेक्ट वहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स वन प्लस टू और एक्स टू प्लस टू, क्योंकि उसने कहा है कि सभी संख्याओं में अगर दो जोड़ दिया जाए तो नया मीन क्या होगा, नया माध्य क्या होगा, ऐसे एक्स फोर प्लस टू और प्लस में डॉट 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 एक्स ट्वेंटी प्लस टू ओके। और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, संख्याएं उतनी ही हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, संख्या 20 थी अभी भी 20 है। अब हमें क्या करना है, टू 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 ऐसे टू कहाँ तक होगा, ऐसे टू हम कितनी बार जोड़ेंगे 20 बार, कितनी बार 20 बार जोड़ेंगे, तो 20 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 40 आ जाएगा ओके। और प्लस में क्या बचेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक बचेगा, एक्स 20 तक, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए दो दो चार दो छः दो आठ ऐसे करते हम जाएंगे तो 40, यानी कि 20 बार हमें दो दो लिखना था तो 20 बार हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें न्यू मीन बताना है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने अभी ये निकाल के आपको दिखाया था, इन संख्याओं का योग कितना है देखें यहाँ पे 360। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 40 और प्लस यहाँ लिखेंगे 360 और अपॉन में लिखेंगे 20, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 400 अपॉन में 20, ठीक है। तो अब डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 20 ओके। तो नया माध्य जो है यानी कि मीन वो 20 होगा। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर अपनी बात को आप लिख दें, वो मुझ तक पहुँच जाएगी, जो भी हो सकेगा मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और याद रखें कि उसने बोला कि टू जोड़ने पर क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट भी इसमें बता सकते हो 20, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखें 80 प्लस टू, जितना जोड़ा जाए हर संख्या में उतना आप मीन में जोड़ दे तो नया मीन बन जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप जोड़ते तो ये 20 आता, लेकिन आपको क्योंकि मुझे सिखाना है तो इसलिए मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखाया ओके। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि द मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन थ्री, यानी कि मीन दिया हुआ है, ठीक है, पांच संख्याओं का, तो कितना दिया हुआ है, वो है 7 लिखा हुआ है। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन थ्री फाइव, तो 5 लिख लेते हैं प्लस में, 7 प्लस 7 लिख लेते हैं एक्स प्लस एंड 11, तो इन संख्याओं का जो माध्य है वो दिया है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बटे में यहाँ तो माध्य लिख लेंगे 7, क्योंकि वो दिया हुआ, ये माध्य का फॉर्मूला है कि सबको जोड़ो और बटे में उतने उतना रखो जितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बटे में 5 ओके। अब इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो है उधर डिवाइड में, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में, इसको ऐड करिए 10 15 और 11 26 और साथ में क्या लिखा है दोस्तों एक्स ओके। तो अपॉन में हम क्या लिखेंगे 5, तो ये हो गया आपके साथ 11, यानी कि यहाँ पे जोड़ने पर कितना आया 26 आ गया। तो अब 26 प्लस में x और इतना, सॉरी 5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 तो हमने उधर भेज दिया है, तो हमारे पास सिंपल ये नंबर हो गया। तो इधर ऐड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इधर इसको ला के माइनस कर दीजिए, तो इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो अब माइनस कीजिए जरा कितना आएगा 9, तो जो नई संख्या है वो क्या है 9 है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू बतानी थी, x की वैल्यू आ गई कि x की वैल्यू क्या है 9। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक क्या होगा। यानी अब हमें बताना है मीडियन, ये मीन नहीं है, ये मीडियन है, यानी कि माध्य नहीं है, ये माध्यक है। तो कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो बीच की संख्या कौन सी आएगी, 1 2 3 4 5, पांचवी आनी चाहिए। तो ये है बीच की संख्या। अगर मैं एक कहूँ तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी समझाता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, इधर से चार पॉइंट है इधर से, और इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5 बार दूर है ये, तो इसीलिए ये बीच का हुआ ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर 6 को ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, इधर से 5 डिजिट आ गया, और इधर से 1 2 3 4 फोर्थ पोजिशन पर, इधर से 5th, इधर से 6th पोजिशन पर। तो इसीलिए हम मीडियन में बीच की दो संख्याओं को लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, वैसे तुक्का नहीं मार सकते, 10 तक है तो हमने बता दिया कि दो बीच की ले ली, अगर मान लीजिए 1000 हो तो कैसे बताएंगे कौन सी बीच की संख्याएं होंगी। तो इसीलिए इसे सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है कि जब n इक्वल सम संख्या हो, सम यानी इवन नंबर हो, ओके, जब n इक्वल इवन नंबर हो तो क्या होगा। तो फार्मूला होता है कि n की वैल्यू रख लीजिए, तो हम निकालते हैं क्या, n अपॉन 2 और प्लस में n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। ये मीडियन का यानी कि माध्यक का फॉर्मूला है, कब, जब n क्या हो, जब n सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। सम संख्या का मतलब जैसे 2 4 8 10 ऐसे हो, तो ठीक है। तो ये तो थे आप, ये तो है आपका फॉर्मूला मीडियन का। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए पहले ये देखिए कि क्या सम है, 1 2 3 4, हाँ 10 तक है, तो यानी यहाँ पे n इक्वल क्या है 10। ये मैं सोचे कि यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं संख्या गिन रहा हूँ। तो आपको भी संख्या गिननी है कि कितनी संख्या है, तो 10 संख्या है, 10 लिख दिया यहाँ। तो इसका मतलब ये सम है, विषम है, ये सम है यानी इवन है, तो इवन है तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर लिखिए 10 अपॉन 2 और प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th अपॉन में 2, ओके, किसके लिए, माध्यक के लिए यानी कि मीन के लिए, ओके। तो ये हो गया 5th टर्म प्लस में 6th टर्म अपॉन में 2, और अगर हिंदी में लिखते हैं तो मैं हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पांचवा पद, इसको हम क्या बोलेंगे, पांचवा पद, और इसको बोलेंगे छठा पद, ओके, छठवां पद, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पांचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, ये है 5 लिख दीजिए, प्लस छठा पद क्या है 6 अपॉन में 2, तो 5 और 6 कितना हो गया 11 अपॉन में 2, 11 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आएगा 5.5। तो ये है माध्यक। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो ये तो तब था जब ये सम संख्या हो, अब अगर विषम संख्या हो तो क्या होगा, तो विषम हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, अगर विषम हो तो आप ये लेंगे n प्लस 1 अपॉन 2, ध्यान रहे, ध्यान रखें इस बात को कि 1 यहाँ प्लस में इसके साथ नहीं है, यहाँ 1 अलग है, जबकि यहाँ 1 n प्लस 1 पूरे के बट्टे में 2 है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 बस n के बट्टे में, तो इसे ध्यान रखें। तो ये वाला जो टर्म है वो होगा माध्यक जब विषम होगा, यानी कि जब n ओड आएगा, यानी विषम संख्या आएगी तब, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, यदि फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर अपनी बात को लिख दें, वो मुझ तक पहुँच जाएगी, ओके। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, अन्यथा नहीं पहुँचेगी, कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक नहीं पहुँचेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25, यानी कि मीडियन जो है, मीडियन का मतलब जो माध्यक है, ओके, हमें माध्यक दिया हुआ है इस प्रश्न में क्या 27.5, ओके, तो 27.5 यहाँ पे माध्यक हो गया, और नीचे संख्या दी हुई है, देखिए नीचे संख्या दी है 24, 25 आई थिंक, या 26 एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3, 30, 33 एंड 37।
तो दोस्तों ये संख्याएं हमें दी हुई हैं और कहा यह गया है कि माध्य किसका ये है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा वह है, देखिए कि ये सम है विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एन इक्वल आया यहाँ पे 8, जो कि सम है यानी इवन है। तो जब इवन होता है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि माध्य का फॉर्मूला यानी जो मीडियन है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वो होगा ठीक है माध्य यानी मीडियन के, कि हम लिखेंगे यहाँ पे 8 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म ओके, प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। तो 8 अपॉन 2 का मतलब क्या, 4th टर्म, यानी अगर हिंदी वाले हैं तो लिख ले चौथा पद प्लस में 5वां पद ठीक है, 5th टर्म ओके, और अपॉन में 2। तो मीडियन तो दिया ही हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 27.5, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 27.5 इक्वल ये 4th टर्म क्या, देखिए 1 2 3 4, ये है 4th टर्म और ये है 5th टर्म। तो लिख लेते हैं x+2 चौथा पद प्लस में x+3 5वां पद और पूरे के बटे में 2, तो x और x कितना हो गया 2x और प्लस में 3 और 2 5 अपॉन में 2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 27 × 54 और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा इक्वल में ठीक है 2x+5। इस 5 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे सेडिंग कर देता, यहाँ पे अलग कर देता हूँ इसको। अब इसको इधर माइनस कर दीजिए ले जाके, तो 55 - 5 = 2x ओके। अब ये आ गया 50 को 2 से डिवाइड कीजिए ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया तो कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर वीडियो को लाइक करें, क्यों, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो इससे ये होगा कि जो भी हम आप वीडियो लाइक करते हैं वो वीडियो आपके चैनल पर सेव हो जाती है और आप उसे कभी भी दोबारा देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आप किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मुझे बता दें, मैं उसके बारे में जो भी हो सकेगा करूँगा ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।